एशिया पर कार्रवाई संभव नहीं, सरकार ने कहा। स्पीक एशिया के ज्यादातर निवेशकों में घबराहट नहीं। नमस्कार, देखें जी बिजनेस, मैं हूं योजना भारद्वाज। स्पीक एशिया के निवेशकों के लिए खुशखबरी। कॉर्पोरेट अफेयर्स सचिव डी के मित्तल का कहना है कि स्पीक एशिया भारतीय कंपनी नहीं है, इसलिए सरकार कंपनी के खिलाफ जांच नहीं कर सकती। इसके अलावा कंपनी सिंगापुर की होने की वजह से देश के कंपनी एक्ट और LLP एक्ट में नहीं आती। देखिए, स्पीक एशिया इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हम उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। ये माना जाए किसी तरह से कोई इन्वेस्टिगेशन फर्दर नहीं हो पाएगी। कॉर्पोरेट अफेयर्स की यहाँ उसका कोई डाटाबेस नहीं है, ना वो रजिस्टर हमारे यहाँ है, तो हमारे किसी डोमेन में नहीं आती, ना हमारी कंपनी एक्ट में आती है, ना हमारे LLP एक्ट में है वो। और सरकार के इस बयान के बावजूद स्पीक एशिया के ज्यादातर निवेशकों में कोई बेचैनी या घबराहट नहीं है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में स्पीक एशिया ने आज अपने सदस्यों के लिए सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में शामिल सदस्यों के चेहरे पर स्पीक एशिया को लेकर कोई शिकन नहीं थी। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है? हाँ जी जी, हाँ जी। आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा? हमें पूरा यकीन है पैसा वापस मिलेगा, हमारा पूरा यकीन है जी हमें। किस तरह का रहा अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बेहतरीन रहा और बहुत बेहतरीन हमें बातें बताई और बहुत कुछ नया करने जा रही है स्पीक एशिया। नंबर वन रहेगी इंडिया में इंशाल्लाह। स्पीक एशिया सेलिंग की परिभाषा बदल कर रख देगी। स्पीक एशिया को जिन लोगों ने अभी तक बुराई की है उन्होंने ठीक से समझा नहीं था। धीरे धीरे हम उन लोगों को स्पीक एशिया की परिभाषा समझा देंगे। इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिम्मी संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, आज कंज्यूमर अवेयरनेस पर मीटिंग हुई, आज मैनेजमेंट ने मीटिंग बुलाई थी, क्या कुछ निकल कर आया इस मीटिंग में? देखिए, पिछले कई दिनों से कंपनी के खिलाफ काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, जो निवेशक हैं वो डरने लगे थे, उनका भरोसा जो है कंपनी से उठने लगा था। इसलिए कंपनी ने अपने निवेशकों और उससे जुड़े हुए लोगों के साथ एक बैठक बुलाई, उनको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से कंपनी जो है भारत में रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी कर रही है। कंपनी एक नई 3 कंपनियों का भारत में रजिस्ट्रेशन कराएगी, इसके साथ साथ कंपनी एक नई वेबसाइट है वो भी लॉन्च करेगी और उसके साथ साथ कई तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो सारे निवेशकों के सामने रखी गई कि किस तरह से कंपनी जो है वो काम कर रही है। तो इस तरह का जो है बातचीत से हमने कई निवेशकों से बातचीत की, वो काफी इससे संतुष्ट दिखे। कंपनी के जो प्लान्स थे उसे काफी संतुष्ट दिखे। अब ये देखना होगा कि कंपनी ने जिस तरह से कहा है कि जो निवेशकों का पैसा है अगले 4 से 6 हफ्तों में निवेशकों को एक बार फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये देखना होगा कि वो पैसा उन निवेशकों को मिलना शुरू होता है या नहीं होता। शुक्रिया असीम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उधर रिलायंस रिटेल जल्द ही अपना पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोलने जा रही है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कंपनी रिलायंस मार्केट के नाम से पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोलेगी। ये स्टोर अगस्त 2011 में बनकर तैयार हो जाएगा। इस स्टोर में सिर्फ दुकानदार ही सामान खरीद सकेंगे। इन स्टोर्स